हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स सी द पार्ट टू ऑफ योर प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था बेसिक ऑफ ट्रांसलेशन, दैट बेसिक्स इंक्लूडेड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन, जिसमें अपन ने देखे थे राइबोसोम्स लगते, राइबोसोम्स का पूरा स्ट्रक्चर देखे, राइबोसोम जोड़ने के बाद ए पी और ई तीन साइट्स तैयार होते वो देखे थे नाम, ओके। फिर रॉ मटेरियल लग रहा था तुमको mRNA, rRNA और tRNA, ओके। और उसके बाद अमाइनो एसिड्स कैसे tRNA के साथ जुड़ के चार्जिंग ऑफ tRNA करते और एक tRNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स तैयार होता, राइट। एंड यू आर नाउ रेडी विद द फर्स्ट स्टेप इज डन, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड वाज द फर्स्ट स्टेप इन योर ट्रांसलेशन, वो हो गया, ओके। अब तुम्हारे पास अमाइनो एसिड रेडी है, राइबोसोम्स आ गए, mRNA अपन ने ऑलरेडी तैयार कर लिए थे, ओके। अब वो mRNA आगे कैसे मैसेज, उसका मैसेज कैसे रीड होता, कैसे कोडॉन्स रीड होते और कैसे ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती, वो आज देखने का, ठीक है। सो गेट रेडी, अपने को एक बहुत बड़ा पार्ट रीड करने का। सो ट्रांसलेशन की सेकंड स्टेप देखने के अपने को फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन, इट इज द सेकंड स्टेप इन योर ट्रांसलेशन। फर्स्ट स्टेप क्या थी, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, दैट वॉज द फर्स्ट स्टेप। एंड 2020 नीट में एमसीक्यू आया था, 2020 अभी। सो क्या आया था क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्रांसलेशन। फर्स्ट स्टेप क्या थी, बच्चों का लगता फर्स्ट स्टेप बोलते इनिशिएशन रहता, अभी जो बताऊंगा वो रहता, दैट इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप रहते अपन ने जो प्रीवियस लेक्चर में देखे, चार्जिंग ऑफ tRNA, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, जॉइनिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स विद tRNA, सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। उसको दो ATP यूज करे थे, मींस AMP यूज करे थे अपन ने, ATP से AMP बनाए थे और फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हुए थे, सो द एट 3' एंड यू बाइंड द अमाइनो एसिड, वो फर्स्ट स्टेप। वही क्वेश्चन आया था, बच्चों ने क्या करे, फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ साइट्स, फॉर्मेशन ऑफ साइट्स अब होगा, मैंने तुमको कल बता दिया, लेकिन कल वो बेट, वो जो बीट था वो राइबोसोम से रिलेटेड था इसलिए बोल दिया, अब वो बनते कैसे साइट्स वो बता रहा हूं। दिस इज सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या थी, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। नाउ आफ्टर गेटिंग एक्टिवेटेड विद अमाइनो एसिड्स, tRNAs आर रेडी विद अमाइनो एसिड्स, नाउ व्हाट हैपेंस, द राइबोसोम्स, योर mRNA, this is mRNA having two ends, 5' end, 3' end. At 5' end, there is first sequence, that is your AUG or GUG, it is called initiation codon. And at 3' end, there will be UAA, UAG and UGA, they are called termination codons, right? So initiation codon, termination codon, yes sir. अब ये जैसे mRNA आएगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बाइंड विद द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ RNA, इट विल एंटर द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ RNA। अपन अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, सो स्मॉलर, पहले तो तुम्हारा प्रोकैरियोट्स में रहता 70 है इसका, उसके 50 और 30 दो सब यूनिट्स रहते, और अगर यूकैरियोट्स की बात करें 80 के 80 टाइप का रहता, उसमें 60 और 40 दो टाइप के तुम्हारे सब यूनिट्स रहते। So, अगर स्मॉलर सब यूनिट मतलब यहाँ पे 30 रहेगा प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में वही 40 सब यूनिट रहेगा। अपन ऐसा करते प्रोकैरियोट्स के देख लेते पूरा, सो तुम्हारा तो एक ही बार फिर मैं बोलूंगा, mRNA एंटर्स द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ RNA थ्रू अ पॉइंट, थ्रू अ क्रिवाइस विच इज प्रेजेंट हियर, सो वहां से अंदर है, ठीक है। देर आर सम सीक्वेंसेस बिफोर इनिशिएशन कोडॉन एंड आफ्टर टर्मिनेशन कोडॉन, 10-12 कुछ सीक्वेंसेस रहेंगे, 10-20 न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे बिफोर इनिशिएशन कोडॉन एट 5' एंड एंड आफ्टर एनी टर्मिनेशन कोडॉन एट 3' एंड। सो दिस सीक्वेंस इज नोन एज अनट्रांसलेटेड रीजंस और UTRs। कहां पे रहेंगे UTR, व्हाट आर UTR, अनट्रांसलेटेड, जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता बट फिर भी वो mRNA पे प्रेजेंट रहती, जैसे कि इधर कुछ प्रेजेंट है 5' एंड पे और 3' एंड पे कुछ प्रेजेंट है, वो क्या रहते जनरली, वो जनरली रहते CCUUCCU, ये टाइप के रहते, उधर से भी वैसे CUCCCUUCC जनरली ये वाले रहते, ठीक है। जैसा प्रमोटर साइट पे क्या रहता है, DNA के अंदर टाटा बॉक्स रहता, राइट, वैसा यहाँ पे क्या रहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजंस बिफोर इनिशिएशन कोडॉन एज वेल एज आफ्टर टर्मिनेशन कोडॉन, दोनों, मतलब 5' एंड पे भी UTR रहेंगे, 3' एंड पे भी UTR रहेंगे। अब तुम बोलेंगे सर ये यहाँ पे काय को, अभी पहले तो कभी बताया नहीं तुमने, बराबर है, मैंने तुमको डायरेक्ट mRNA यहाँ से बताया, इनिशिएशन कोडॉन से स्ट्रक्चर यही से बताया, फिर मेन mRNA यहाँ से लेके यहाँ तक का है,
फिर ये स्टार्टिंग में और एंड में क्या लगाने वाला है। सो जो एमआरएनए प्रोसेसिंग होती है उसके टाइम पे ये चीजें ऐड हो वाली रहती, ओके, ये एक्स्ट्रा की चीजें। इससे क्या होता, ये दोनों चीजें दिस यूटीआर दे इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ एमआरएनए, दे इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यूज क्या है उसका सिग्निफिकेंस नोट करके रखो, यूटीआर आर प्रेजेंट ऑन बोथ द फाइबर एंड थ्री बार एंड्स बिफोर एंड आफ्टर इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडॉन, दे आर नॉट ट्रांसलेटेड, दे डू नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन, बट दे इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ एमआरएनए एज वेल एज दे इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इतच UTRs increase the efficiency of protein synthesis. They also help in entry of mRNA into a smaller subunit. Entry के लिए भी मदद करता, okay? अपने को उतना डिटेल में जाने का नहीं, लेकिन UTR क्या है तुमको स्टेट बोर्ड में भी मीनिंग दिया है, NCERT के पैसेज में मिलेगा, इनिशिएशन कोडॉन के पहले और बाद में, टर्मिनेशन के बाद में UTR रहते। They are untranslated regions. They don't play any role in translation. Okay? So they are present here. अब ये होगा अपना काम, इनकी बात हो गई, जो बीट था वो बता दी। अब अपना AUG यहाँ पे आके अटैच हुआ पहला कोडॉन, ओके, दिस इज योर पी साइट। एक्चुअली यहाँ पे तुम्हारी पी साइट तैयार होगी, इधर क्या रहती, राइट साइड में ए साइट रहती, वहां पे दूसरा कोडॉन रहता। AUG के बाद दूसरा कोडॉन कौन रहेगा, फॉर एग्जाम्पल AUG, फिर CUC, दूसरा कोडॉन CUC, ओके, तो ये दूसरा कोडॉन है। फिर उसके बाद तीसरा कोडॉन है वो बाहर रहता, वो बाहर रहता, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर अगला वन टू थ्री, वन टू थ्री कोडॉन ट्रिपलेट्स रहते, तो तीन तीन रहेंगे ऐसे। सो तुम्हारा जो पहला कोडॉन है वहां, वो कहां पे आके बैठा, पी साइट जहां पे बनेगी वो जगह पे आके बैठेगा, और जो दूसरा कोडॉन है वो कहां पे आके बैठेगा, जहां पे ए साइट बनेगी वहां पे आके बैठेगा, ठीक है। एंट्री ऐसी होगी। सो तुम्हारा बेब्लेड रहता, बेब्लेड सबने खेला रहे, बेब्लेड भवरा रहता ना, जापानी भवरा, सो जापानी भवरा रहता ना, घुमाते भवरा रहेगा, उसके अंदर वो स्ट्रिप डालकर उसको खींचते और घुमा के छोड़ दो, तो ये जो स्ट्रिप है बेब्लेड की, वो स्ट्रिप तुम्हारा एमआरएनए, इमेजिन करो वो स्ट्रिप क्या है, एमआरएनए, और जो बेब्लेड है वो राइबोसोम है, वो बेब्लेड क्या है, राइबोसोम। तो तुम्हारा जो एमआरएनए है तुम उसमें स्ट्रिप इंसर्ट करते, सो उसके भी खाचे खाचे रहते स्ट्रिप के ऊपर, बराबर, वो जो उसके ऊपर ऐसे उसके ऊपर गैप्स रहेंगे, वो दांत रहेंगे उसके ऊपर, टीथ रहेंगे, सो वो दांत मतलब तुम्हारे कोडॉन हो गए, वो दांत मतलब कोडॉन, और भौरा मतलब तुम्हारा क्या हो गया, बेब्लेड मतलब तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे, वो राइबोसोम, तो राइबोसोम के अंदर वो एंटर होगा। सो पूरा एंटर नहीं करने का ऐसा, पहला दूसरा तीसरा, सिर्फ तीन दांत उसके अंदर डालने के और आगे के तीन आगे डालने के, मतलब सिक्स टीथ उसके अंदर जाना। सो पहले तीन जहां पे बैठेंगे वो तुम्हारी पी साइट रहेंगी बेब्लेड में, और जो दूसरे तीन रहेंगे वो तुम्हारी ए साइट रहेंगे, और उसके बाहर पूरा एमआरएनए अभी भी बाहर है, पूरा अंदर नहीं गया, अपने को रीडिंग करने का। अब भौरा ऐसा ऐसा आगे आगे आएगा तो एक एक रीड होगा, कोडॉन कोडॉन कोडॉन, ओके, और तुम्हारे फिर टीआरएनए क्या करते देखते। तो भौरा क्या है, राइबोसोम, वो जो राय बेब्लेड है, और जो एमआरएनए क्या है तुम्हारा, वो स्ट्रिप, ओके, वो भौरे को घुमाने की, नहीं तो जान दो यही समझो जो बोल रहा हूं। अगर वो ज्यादा वो है होमोलॉजी जल्दी समझ में आती है, ऐसी कुछ एनालॉजी कुछ जल्दी समझ में आती है, तो इसके लिए बोल रहा हूँ, बेब्लेड एग्जाम्पल लिए तो तुमको समझ में आ रहा है, हाँ सर ऐसा ऐसा इंसर्ट हो रहा है, रीड हो रहा हो बराबर, ओके। सो एमआरएनए एंटर्स द स्मॉलर सब यूनिट, ओके, as soon as smaller subunit here mRNA enters it, so the larger subunit also comes here, larger subunit also comes here, and it binds to the smaller subunit in presence of magnesium ions 0.01 molar concentration and riboflavin proteins. तो इधर तो mRNA बैठा लीजिए तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 AUG CUC. So, as soon as mRNA enters the smaller subunit, the larger subunit also joins here and it forms three sites. Which three sites? A site, P site, E site. Amino acyl site. P means peptidyl site and E means exit site. Elongation site means exit site. Okay, these three sites are formed. Then, the first tRNA will come here, it will bring the specific amino acid according to the codon AUG. अब AUG वाला tRNA कौन सा रहता तुम्हारा? कोडॉन कौन सा था उसका? एंटीकोडॉन क्या रहेगा AUG का? A का कॉम्प्लीमेंट्री U, U का कॉम्प्लीमेंट्री A और G का कॉम्प्लीमेंट्री C.
और उसके सिर पे AUG को देख के कौन सा अमीनो एसिड आता है, मिथियोनाइन अकॉर्डिंग टू योर बॉक्स, वो जो जेनेटिक कोड का डब्बा है उसमें AUG को देख के मिथियोनाइन आ सकता। सो इसके थ्री बार एंड पे कौन बाइंड वाला रहेगा, मिथियोनाइन, इसकी चार्जिंग होगी मिथियोनाइन से। ओके, इट इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, रिचार्जिंग बोल दिया था मैंने उसको, चार्जिंग कर लो, चेंज कर लो प्रीवियस लेक्चर का, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इट विल ब्रिंग दिस मिथियोनाइन, तो यहाँ आके खड़े हो जाएगा। कैसा खड़े होता, देखो यहाँ पे टीआरएनए, उसका एंटीकोडॉन लूप, सिर पे क्या है मिथियोनाइन। ओके, इधर का बाकी का सब चार्ज अपने कुछ भी काम नहीं, इसकी पेयरिंग इसकी पेयरिंग इसकी पेयरिंग यूएसी, वो जो यूएसी है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेगा तुम्हारे कोडॉन से, फर्स्ट कोडॉन से। ओके, और तुम्हारा फिर टीआरएनए, फर्स्ट टीआरएनए विल एंटर विच साइट, पी साइट। फर्स्ट टीआरएनए कहां पे आया अपना, फर्स्ट टीआरएनए एट पी साइट, एट पी साइट। ओके, दिस प्रोसेस अप टू दिस पॉइंट, एंट्री ऑफ एमआरएनए से लेके थ्री साइट फॉर्मेशन और फिर एंट्री ऑफ फर्स्ट टीआरएनए अप टू दिस। ओके, एंड देन नेक्स्ट वन इज योर एडिशन ऑफ सेकेंड टीआरएनए, दूसरा टीआरएनए, दूसरा कौन सा आना चाहिए, सी यू सी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, और सी यू सी के हिसाब से कौन सा अमीनो एसिड आना चाहिए, देखो तुम्हारा ल्यूसीन आता क्या, ल्यूसाइन, एल ई यू, डब्बा देखो सी यू सी 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 यू, तुम्हारे होमो पॉलीमर को पॉलीमर पॉलीमर बनाए थे, हेट्रो पॉलीमर किसने, तुम्हारे हरगोविंद खुराना साहब ने, उन्होंने बनाए थे वो एमआरएनए, राइट, उसमें ल्यूसीन था, फिनिलएलेनाइन था, यू 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 लिए तो फिनिलएलेनाइन, राइट। सो सी यू सी को देख के कौन सा अमीनो एसिड आएगा, ल्यूसाइन, वो ल्यूसाइन को लेके आने वाला टीआरएनए रहेगा, उसका एंटीकोडॉन रहेगा जी ए जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जी ए जी को देख के तुम अमीनो एसिड डिसाइड नहीं करने का, जी ए जी कोडॉन नहीं है, वो एंटीकोडॉन है, उसका कोडॉन ये है, इसको देख के यहाँ पे अमीनो एसिड अटैच होता, यहाँ पे सी यू सी है तो जी ए जी वाला टीआरएनए आएगा, ठीक है। तुम क्या सोचते, सर जी ए जी है तो जी ए जी को देख के तो डब्बे में कुछ और आना चाहिए, क्या आता जी ए जी को देख के डब्बे में, देखो तो वहां पे ये नहीं है, तुम बोलते सर ऐसा कैसा, अरे वो जी ए जी एंटीकोडॉन है, ये किसको देख के आता, ल्यूसाइन, सी यू सी को, कोडॉन को देख के वो ल्यूसाइन से ज्वाइन होता, और ये वाला टीआरएनए इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस कोडॉन, इट कम्स हियर, वो यहां आके खड़े हो जाएगा। कैसा होगा, अब इसको थोड़ा सा मिटा रहा मैं तुमको, इधर समझ लो, ये दूसरा, इसकी यहां पे बॉन्डिंग होंगी, ओके, इसके सर पे दूसरा कोडॉन कौन सा, एल ई यू, और यहां पे बॉन्डिंग कैसी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री जी ए जी, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, मतलब फर्स्ट टीआरएनए इज एट पी साइट, सेकेंड टीआरएनए विल एंटर एट ए साइट, सेकेंड टीआरएनए इज एट एंटर इज एंटरिंग एट, सेकेंड टीआरएनए कहां पे आया, ए साइट, ठीक है। अब यहां पे इमेजिन करो वो तीन जगह, क्या मैं बता रहा हूं वापस से, ये प्रोसेस एक बार समझ गए ना, आगे का तो इजी है, बस इनिशिएशन थोड़ा सा मुश्किल लगा। तीन साइड से इमेजिन करो, मेरे राइट साइड में एक स्पेस है ई साइट, मैं जहां पे खड़े आला हूं ये पी साइट, और मेरे इधर लेफ्ट साइड में ए साइट। सो मैं जो खड़े आला हूं, इमेजिन करो मेरे पैर के नीचे पहला कोडॉन है, ओके, एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट कोडॉन, आई एम द फर्स्ट टीआरएनए हैविंग मिथियोनाइन ऑन माय थ्री बार एंड, मेरे सिर पे मिथियोनाइन। सो इधर जो बंदा खड़े रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर क्लास रहती थी तो अपन डेमो लेते थे, एक बंदे को यहाँ खड़े करो, द सेकंड पर्सन विल कम हियर एट ए साइट, ही विल हैव दिस योर ल्यूसिन ल्यूसाइन एट द हेड एंड इट विल एंटर द ए साइट। सो दोनों आजू बाजू खड़े आले टीआरएनए 1 एंड टीआरएनए 2 विद रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड्स। ओके, सो अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स 1, अमीनो एसिड 2 टीआरएनए कॉम्प्लेक्स 2, अमीनो एसिड 1 टीआरएनए कॉम्प्लेक्स 1, ओके, अमीनो एसिड 2 टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ये पूरा कॉम्प्लेक्स 2, सो दे विल एंटर एट पी एंड ए साइट्स। हो गया एंट्री, अप टू दिस देयर विल बी फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हियर बिटवीन द टू अमीनो एसिड्स, यहाँ पे जैसे अमीनो एसिड्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो दे विल अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, एक ही एंजाइम लगने वाला है, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, पेप्टिडिल मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, ट्रांसफरेज मतलब वो कुछ ग्रुप्स ट्रांसफर करेंगे, वाटर वगैरह रिमूव होगा, दो अमीनो एसिड्स एक दूसरे को जुड़ेंगे, डिहाइड्रेशन होता,
water molecule remove hota and you will get the first peptide bond formed here and the methionine will form bond which bond peptide bond with the leucine and thus first peptide bond is formed like this and up to this this is the first step chain initiation this is the first step in chain initiation पॉलीपेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का है तो पहली स्टेप क्या लिखी उसमें चेन इनिशिएशन सेकंड इलोंगेशन थर्ड टर्मिनेशन ओके फर्स्ट स्टेप विल स्टार्ट विद एंट्री ऑफ एमआरएनए इनटू स्मॉलर सब यूनिट द फर्स्ट कोडन विल अलाइन एट पी साइट सेकंड एट ए साइट एज सून एज इट एंटर्स द एमआरएनए ओके द लार्जर सब यूनिट ऑल्सो जॉइंस असेंबल्स विद द स्मॉलर सब यूनिट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस Okay, this leads to formation of the complete ribosomal unit that is ready for translation. The first codon is present at P site and the first tRNA will bring respective amino acid. If it is AUG, it will bring methionine always. Okay, because there is only one codon that codes for methionine, it is AUG. And methionine is brought by first tRNA at P site. Pahla wala tRNA kaha tha? P site. The second one will bring the second amino acid according to the second codon at A site. Bond formation will occur between two at A site and P site and the first peptide bond is formed in presence of peptidyl transferase. Peptidyl transferase and this process is known as chain initiation. Also this process requires some initiation factors. Initiation फैक्टर्स दे आर ऑल्सो लार्ज प्रोटीन्स जैसे सिग्मा फैक्टर रो फैक्टर था क्या ट्रांसक्रिप्शन में वैसे इनिशिएशन फैक्टर्स लगेंगे देर आर अबाउट एट इनिशिएशन फैक्टर्स इन यूकैरियोट्स एट इनिशिएशन फैक्टर आठ प्रकार के प्रोटीन होते आई एफ वन आई एफ टू आई एफ थ्री ऐसे सो दैट इनिशिएशन फैक्टर्स दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द एंजाइम पेप्टिडिल ट्रांसफरेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड लाइक दिस मतलब मैं यहाँ खड़ा था पी साइड पे मेरे बाजू दूसरा बंदा खड़ा था टीआरएनए नंबर टू उसके पास और मेरे पास का टीआरएनए मेरे पास का अमीनो एसिड मिथियोनाइन उसका ल्यूसीन इनमें फर्स्ट बॉन्ड बन गया फर्स्ट बॉन्ड बनना मतलब इनिशिएशन हो गया और साइड में बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स खड़े रहे कि हमको जादू दे रहे पावर सप्लाई कर रहे एटीपी एनर्जी दे रही वहां पे ओके एंड द फर्स्ट बॉन्ड इज नाउ फॉर्मड ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट नाउ इन सेकंड स्टेप व्हाट हैपेंस दिस फर्स्ट बॉन्ड इज फॉर्मड अब अगला कोडन आना चाहिए इफ नेक्स्ट कोडन इट इज यू 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 को देख के कौन आना चाहिए इधर फिनिलएलानाइन आना चाहिए सर तुमको तो अच्छा डब्बा याद होगा चेक करो बराबर बोल रहा क्या मैं गलती भी हो सकती फिनिलएलानाइन आएगा इसको देख के तीसरे कोडन के लिए तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन रहेगा यू 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 का कॉम्प्लीमेंट्री ए ए ए जरूरी नहीं तीनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना तीसरा जी रहा तो भी ए ए जी रहा तो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती क्योंकि वैटसन ने क्या बोला था क्रिक ने क्या बोले थे क्रिक का बोलना था थर्ड बेस ऑफ एंटीकोडॉन थर्ड बेस इज नोन एज वुबल बेस इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पेयरिंग शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री एट ऑल थ्री साइड्स ओनली पेयरिंग एट फर्स्ट टू साइड्स इज इंपॉर्टेंट थर्ड वाली की पेयरिंग नहीं हुई तो भी स्टिल टीआरएनए ब्रिंग्स द tRNA brings the amino acid and codon anticodon interaction is successful. So Wobble hypothesis यहाँ पे work करता. tRNA कोई भी आ सकता है, बस दो जन जुड़ गए, पहले दो, तो भी उसके सिर पे phenylalanine लग के आ जाता. Okay? So वो phenylalanine, लेकिन अभी ये transcription unit के बाहर है. तीसरा जो tRNA है, तीसरा जो codon है, this is the third codon. Okay? It is outside the ribosome. राइबोसोम के बाहर है ना तो उसको अंदर कैसा लाएंगे सो सिंपली व्हाट हैपेंस दिस राइबोसोम शिफ्ट्स बाय द लेंथ ऑफ वन कोडॉन हाउ अगर एक कोडॉन की लेंथ एक कोडॉन बोल रहा हूं मैं एक नाइट्रोजन बेस नहीं एक कोडॉन की लेंथ से शिफ्ट होता कैसे थोड़ा इमेजिन करो ये एमआरएनए है ओके दिस इज एमआरएनए वो जो एमआरएनए है ये लाइन ये एमआरएनए एंड इफ इट दिस इज योर राइबोसोम सो राइबोसोम ऐसा बैठा है फर्स्ट कोडॉन और सेकंड कोडॉन पे तो थर्ड कोडॉन बाहर है ओके सो दैट थर्ड कोडॉन के ऊपर कैसे जाता हो यहां से उठता दोनों सब यूनिट्स और ऐसा उठते और थोड़ा आगे जाते फिर आगे जाएंगे
समझ रहा है क्या हो रहा है? योर राइबोसोम इज शिफ्टिंग इट्स पोजिशन एट बाय अ डिस्टेंस ऑफ वन कोडॉन इन 0.01 सेकेंड. राइबोसोम इज मूविंग शिफ्टिंग इट्स पोजिशन बाय एट अ लेंथ ऑफ वन कोडॉन पर शिफ्ट. एक कोडॉन एक टाइम पे शिफ्ट होगा. ओके, विद इन अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 0.01 सेकंड में भी वो एक शिफ्टिंग हो जाती है और बॉन्ड बन जाता. ओके, वन बाय वन अमीनो एसिड्स ऐड होंगे, बहुत कम टाइम लगता. दिस शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम इज नोन एज ट्रांस लोकेशन. ट्रांस लोकेशन, ट्रांस मतलब बदलना, लोकेशन मतलब जगह. सो राइबोसोम इज शिफ्टिंग इट्स लोकेशन बाय अ डिस्टेंस ऑफ वन कोडॉन पर शिफ्ट. Ribosome is shifting its location by a distance of one codon per shift. It is called translocation. मतलब translation का ही हिस्सा है translocation. Okay? अब क्या होगा, कैसे होगी shifting? देखो, third codon बाहर है ना, अब उसको अंदर लेने का अपने को. तो क्या होगा देखो, अब ये AUG किधर था? P साइट पे. CUG कहाँ था? A साइट पे. अपने को अब इसको इधर लाने का है, तो ये इधर चले जाएगा और AUG इधर E साइट पे आके बढ़ेगा. तो अगले स्टेप में क्या बनता? AUG यहां आ जाएगा, उसके बाद का CUC यहां आ जाएगा और अब UUU अंदर आ जाएगा. समझ रहा? ये लिखने का नहीं है, ये समझने की चीज है. ये आंसर में लिखने का नहीं है, तुमको समझ में आना चाहिए शिफ्टिंग कैसे हुई. AUG विच वॉज प्रेजेंट एट P साइड, इट नाउ मूव्स टू A साइड, E साइड. CUC मूव्स टू P side and UUU now enters into A side. अच्छा, इसमें mRNA नहीं चल रहा. Who is moving? Ribosome is moving. Ribosome is moving. Okay, mRNA is stable and ribosome is moving by a distance of one codon per shift. Okay, therefore what happens? अब यहाँ पे का tRNA ऐसा था, मैं अब सिंपल निकालता, समझ लो तुम tRNA. नीचे कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग अब बार बार नहीं बताऊंगा, दो बार बता दे समझ गए तुम. ओके, इनका बॉन्ड बना था मिथियोनाइन ल्यूसिन, बॉन्ड बन गया. ओके, व्हेन दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड व्हेन दिस टीआरएनए, फर्स्ट टीआरएनए, इट कम्स टू द ई साइट. ओके, इट ब्रेक्स द बॉन्ड विथ दिस फर्स्ट अमाइनो एसिड. ये जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाता, एक बार ये बॉन्ड बन गया ना तो ये छोड़ डालता इसको टीआरएनए. दिस टीआरएनए नाउ लीव्स, दिस टीआरएनए नाउ लीव्स और एग्जिट्स from E site by leaving methionine attached to leucine. पहले RNA shift, ribosome shift हुआ, फिर तुम्हारा ये जो methionine था वो tRNA से जुड़ा था, वो bond break हुआ and finally your first tRNA exits gets removed from E site. From E side, क्योंकि पहले कोडॉन की रीडिंग हो गई और उसके हिसाब से मिथियोनाइन आ गया. अब टीआरएनए का काम खत्म, उसको बाहर निकाल दो. समझ रहा है? उसका काम हो गया, रीडिंग हो गई. ओके, और फर्स्ट टीआरएनए अमाइनो एसिड आ गया, टीआरएनए गोज आउट थ्रू ई साइड. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस एट थर्ड, दिस पी ए साइड, ये तो पी साइड पे चलेगा, ये ई साइड है. द थर्ड टीआरएनए, थर्ड टीआरएनए which brings phenylalanine, it enters the A site. Again, अब यहाँ पे ये दोनों जगह भर गई, अब फोर्थ वाले को लाना पड़ेगा, इसमें बॉन्ड बना दो. ओके, अगेन शिफ्टिंग बाय वन, तो शिफ्टिंग से क्या होगा फिर अगली स्टेप में, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और चौथे वाला कोडॉन अंदर आ जाएगा, फिर उसके हिसाब से चौथे वाला tRNA आएगा एट A साइट, पांचवा वाला tRNA एट ए साइट, और इधर से ये खाली होके निकलते जाएंगे, ये खाली होके निकलते जाएंगे, इधर ई साइट से बाहर निकलते जाएंगे. ओके, एंड लाइक दिस tRNA विल कीप एंटरिंग फ्रॉम ए साइट, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन. सबके सब कहां से एंटर करेंगे? ए साइट से. सिर्फ पहला tRNA डायरेक्ट पी साइट पे बैठता, बाकी के सब tRNA पी ए साइट से एंटर करेंगे और एग्जिट ई साइट से. और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे राइबोसोम, वन बाय वन तुम्हारा जो पूरा मिथियोनाइन, ल्यूजाइन, उसको देख के फिनिलएलेनाइन, वैलिन, या ऐसी जुड़ते जाएंगी और एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स तैयार होते जाएंगे. देखो, फर्स्ट बॉन्ड बना था वैसे सेकंड बनेगा,
फिर ये आगे शिफ्ट हो जाएगा राइबोसोम, ओके चौथा वाला आएगा, फिर उसका बॉन्ड बनेगा एंड यू विल गेट अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स बाय इलॉन्गेशन विद द हेल्प ऑफ पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, विद द हेल्प ऑफ पेप्टिडिल ट्रांसफरेज वो इलॉन्गेशन की प्रोसेस भी करेगा, मींस इट इज द ओनली एंजाइम दैट हेल्प्स इन पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ओके। सो ऐसा अगर वो पर्सन वाइज देखे, मैं फर्स्ट यहाँ था, सेकंड बंदा यहाँ था, हम दोनों के अमीनो एसिड्स में बॉन्ड बन गया, सो मैं इधर शिफ्ट हो जाऊंगा, वो बंदा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे सेल पे का मिथियोनाइन उसको बन गया ना, जुड़ गया ना, तो मैं निकल जाऊंगा, उसके मिथियोनाइन को छोड़ दूंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा, ओके। अब वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो है, तो थर्ड पर्सन वहां आएगा, ओके, वो उन दोनों के बॉन्ड बनेंगे, फिर राइबोसोम आगे शिफ्ट हो जाएगा, सेकंड पर्सन इधर आ जाएंगे ई साइड पे, थर्ड पर्सन पी साइड पे, फोर्थ पर्सन नया आएंगे, फिर इनके दोनों के बीच में बॉन्ड, फिर इनके दोनों के बीच में, मीन्स टीआरएनए निकलते रहेंगे, टीआरएनए बाहर निकलते रहेंगे और ऊपर अमीनो एसिड सिलाई हो रही, अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे, राइट, एंड यू विल गेट अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच इज योर पॉलीपेप्टाइड, इट इज योर पॉलीपेप्टाइड, इसीलिए साइट का नाम क्या रखे, पेप्टिडिल साइट, पी साइट का नाम पी क्यों रखे, पेप्टिडिल, क्योंकि वहां पे चेन ऑफ अमीनो एसिड्स तैयार होते हैं। इसका नाम एग्जिट साइट क्यों रखे, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट हो रहे, टीआरएनए बाहर निकल रहे, और इसका नाम ए मतलब अमीनो एसाइल साइट क्यों, क्योंकि यहाँ से अमीनो एसिड्स एंटर हो रहे टीआरएनए के साथ में, समझ रहे नाम, इसके लिए कल मीनिंग नहीं बोला, ए साइट से अमीनो एसिड्स एंटर होंगे, पी साइड से चेन बनते जाएंगे और ई साइड से टीआरएनए निकलते हैं, स्लोली स्लोली वन बाय वन तुम्हारा राइबोसोम पूरा शिफ्ट हो जाएगा, लास्ट में कौन आएगा, यू ए ए या यू ए जी या यू जी, इधर से पूरा एमआरएनए रीड होगा रहेगा, लास्ट स्टेप देखो क्या होती, दिस इज कॉल्ड चेन इलॉन्गेशन, ये जो दूसरी स्टेप थी ये क्या थी, चेन इलॉन्गेशन बाय पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, वही एंजाइम, एंड लास्ट में क्या होगा, अब इमेजिन करो तुम्हारा लास्ट का कोडॉन है वो आया यहां पे यू ए ए, यू ए ए एट ए साइट, जैसे यू ए आएगा, अगर ये लास्ट अमीनो एसिड था तुम्हारा एल ए नाइन, ठीक है, अब यू ए इज द टर्मिनेशन कोडॉन, इट इज नॉनसेंस कोडॉन, नॉनसेंस है क्यों, बिकॉज यू ए को देख के कोई आने वाला है क्या, जेनेटिक कोड के डब्बे में देखो यू ए यू ए जी यू जी ए, दे आर कॉल्ड स्टॉप कोडॉन्स, उनको क्या बोलते हैं स्टॉप कोडॉन, उनको देख के कोई नहीं आता, उनको देख के कोई अट्रैक्ट नहीं होता, कोई नहीं आता, सो उनको देख के कोई नहीं आएगा, मगर एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पे आ जाएगा, ओके, और लेकिन कोई टीआरएनए आएगा क्या इधर, इनको टीआरएनए रहते ही नहीं कोई भी, नो अमीनो एसिड इज अट्रैक्टेड बाय देम, सो टीआरएनए नहीं आएगा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल एड हो जाएगा यहाँ आके, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एड हो जाएगा आगे का पेप्टाइड बॉन्ड बनने वाला नहीं है, ये बात राइबोसोम को समझ जाती, एमआरएनए को मालूम पड़ा था प्रोसेस खत्म हो गई, राइबोसोम समझ जाता प्रोसेस खत्म हो गई, अब यूटीआर लग जाएंगे यहां से, स्मॉलर सब यूनिट समझ जाता, अब यूटीआर चालू हो रहे, अनट्रांसलेटेड रीजन, अब ट्रांसलेशन रोकने का है, और फिर ऑटोमेटिकली क्या होता, ये जो टीआरएनए लास्ट का इधर शिफ्ट होता, ये इधर शिफ्ट होता पी साइड से, वाटर मॉलिक्यूल एड होके चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज्ड, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज्ड, द एमआरएनए इज ऑल्सो रिलीज्ड, mRNA is also released. The two subunits undergo disassembly. Two subunits also undergo disassembly. mRNA is denatured. It is broken. It is destroyed. mRNA is denatured or broken. उसके टुकड़े हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में घुल जाता. Ribosomes also undergo disassembly. Okay, disassemble हो जाते हैं वापस से. And a chain of polypeptide is released free, and that is your protein, raw protein. Samjha? This is called chain termination, which requires termination factors, and chain termination occurs like this. Last ka codon jaise hi aa gaya UAA, stop codon when enters A site. It means that the process is about to end. टर्मिनेशन फैक्टर्स विल रिप्लेस इनिशिएशन फैक्टर्स, इलॉन्गेशन फैक्टर्स हट जाएंगे, हाँ इलॉन्गेशन में इलॉन्गेशन फैक्टर्स लगते, टर्मिनेशन में टर्मिनेशन फैक्टर आ जाएंगे, एंड द पेप्टाइड फॉर्मेशन विल स्टॉप बाय एडिशन ऑफ लास्ट मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल, एंड
what happens? mRNA is released and destroyed. Both the subunits disassemble and a chain of polypeptide, a chain of amino acids is released from the ribosome from P site. This is your protein. This ends the process of protein synthesis. यहाँ पे protein synthesis खत्म हो गया. ओके और इस तरीके से तुमने डीएनए से एमआरएनए बनाए. एमआरएनए की कोडॉन की इंफॉर्मेशन को अपन ने कैसा पेप्टाइड बॉन्ड में कन्वर्ट करे, ट्रांसलेट करे, कोडॉन की लैंग्वेज को तुमने प्रोटीन बनाए, अमीनो एसिड्स बनाए, बराबर. सो इसलिए फिर ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन. फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द कोडॉन्स ऑफ एमआरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन. बट इस ट्रांसलोकेशन शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम बाय द लेंथ ऑफ at a distance of one codon per shift, it is in chain elongation of your translation is known as translocation. Okay, so this is all your complete process. State Gordon बहुत अच्छे फोटो दिए थे, मैंने पूरे फोटोज आपके सामने लाया, फिर से एक बार बढ़िया सा फोटो दे रहा हूँ. इसके अंदर स्टेप वाइज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. एनसीईआरटी में तो आपको डेटा बहुत शॉर्ट में दिया है, आई नो दैट आपको उतना ही याद रखना है, लेकिन स्टेट बोर्ड के लिए तो आपको अल्टीमेटली करना ही है. तो स्टेट बोर्ड का प्लीज आंसर रेफर करो, आपको यह आंसर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लिख के निकाल लो. एंड यस अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गिव द शॉर्टकट ऑफ दिस, आपको खुद से उसके शॉर्टकट निकालना है, ठीक है. निमोनिक बनाओ, कुछ भी करो, बट डीएनए रिप्लिकेशन का जैसा चार्ट दिया था मैंने, जान दो अब काय को चुप्पी ऐसा रखते, मैं बना ही देता एक छोटा सा चुप्पी और बाद में वापस सर आपने नहीं दिया हमको समझा नहीं पहले. सो एक शॉर्टकट में पूरी प्रोसेस वापस बता दे रहा हूं. What are the two process of translation? उसके steps क्या है? बनाओ, जिसको आ रहा हो pause करके बनाओ. Starting करने का translation अपने को first step activation of amino acids, okay? By formation of amino acid tRNA complex. ये first step थी. Second step क्या है इसके बाद? एक बार complex बन गया, mRNA enters smaller subunit of tRNA, क्या RRNA, sorry ribosome, okay, assembly of larger subunit, complete ribosome, to form complete ribosome, okay. Then next step, first tRNA at enters P site of ribosome and brings first amino acid, that is methionine. हमेशा methionine आता, because first codon is at P site, it is your AUG. Then second tRNA enters A site of ribosome and brings specific amino acid according to codon. Okay, then first peptide bond formation, by initiation factors, peptidyl transferase. And this complete process is your chain initiation, first peptide bond formation between first and second amino acids, chain initiation. First step okay. Second step में क्या करने का, ये step बदल दो. Elongation कैसा होगा, termination कैसा होगा? In elongation what happens, the third and all other tRNA will enter ribosome from A site plus ribosome shifts in bracket translocation. Ribosome shifts in bracket translocation by a distance of one codon per shift, okay. New peptide bonds are formed
formed by peptidyl transferase, peptidyl transferase enzyme वही है, and elongation factors EFs, elongation factors, okay, and a chain of amino acid is formed, and chain of amino acid is formed, okay. Empty tRNA leaves the ribosome or translation unit through E site से खाली वाला बाहर निकलते जाएगा. This is called chain elongation. Okay. Then next step, elongation के बाद termination codon at A site is reached by translocation. Elongation पूरा हो जाएगा, आखिरी तक पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे राइबोसोम जैसे ही टर्मिनेशन साइट आएगी ए साइट पे, देन वॉटर इज एडेड एट लास्ट एंड प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन अकर्स, एवरीथिंग स्टॉप्स. सब स्टॉप कैसा हो जाता, इसके नीचे की लास्ट है, ऊपर लिख रहा उल्टा, नीचे लिखो उसके ऊपर लिख रहा मैं, तुम नीचे लिखो. हाउ एवरीथिंग स्टॉप्स, चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज इक्वल टू पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज्ड फ्रॉम पी साइट, राइबोसोमल सब यूनिट्स डिसअसेंबल, दे अंडरगो डिसोसिएशन, डिसोसिएट, ओके, डिसअसेंबल कर ले, डिसोसिएट, एंड mRNA is released in cytoplasm. mRNA is released in cytoplasm and it is denatured or destroyed. And thus process is done. This requires termination factors. This process is chain termination. It requires termination factors and the process ends here. Okay. So this is your complete process of translation. यहाँ पे protein बन गए, वो protein जाएगा जहाँ पे उसको जरूरत है, उसको modify करेंगे पहले ER में, Golgi body में, और पक्का protein बनेगा, और फिर जहाँ पे उसको जरूरत है जैसे कि skin बना color देने का है तो skin में जाके deposit होगा melanin और वो skin को color impart करेंगे. अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग proteins जो उनका function है वो काम करने चले जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ तो प्रोटीन इस तरीके से तैयार होता है. एमआरएनए का डिस्ट्रॉय होने का रीजन क्या है, अगर एमआरएनए वैसे पड़े रहा तो क्या होगा, हर उसके ऊपर डबल प्रोटीन बनना चालूंगा, तो जब जरूरत रहती तभी एमआरएनए बनता, एक बार एक ही एमआरएनए से प्रोटीन बनता, तुमको हर बार नया एमआरएनए बनाना पड़ेगा. एक बार एमआरएनए से प्रोटीन बन गया तो ये एमआरएनए डिस्ट्रॉय, तुमको वही प्रोटीन फिर से चाहिए तो डीएनए से एमआरएनए बना के लाओ और वापिस से उससे प्रोटीन बनाओ. तुम डबल यूज नहीं कर सकते एमआरएनए को, वो डिस्ट्रॉय हो जाता, नहीं तो पड़े पड़े क्या आएगा, इधर उधर घूमेगा वो कहीं भी सेल के अंदर, राइबोसोम पकड़ेंगे और उस पर प्रोटीन बलजबरी बना के देते जाएंगे. एक्स्ट्रा के प्रोटीन बना के भी कुछ फायदा नहीं है, तो एक ही बार कभी भी उस पर प्रोटीन बनता है और इसके लिए उसको डिस्ट्रॉय कर देते. ओके, एंड दस प्रोटीन सिंथेसिस इज कंप्लीटेड, पूरी प्रोसेस हो गई. यहाँ पे तुम्हारा पूरा डीएनए का एक्सप्रेशन कैसा आता वो भी ध्यान में आ जाएगा, तुमको डीएनए से आरएनए बनाए थे, आरएनए से प्रोटीन बनता, प्रोटीन कैसे आगे जाके अपना काम करता, दिस इज कंप्लीट प्रोसेस. अभी ये पूरा जितना देखे अपन आज तक का, दिस इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन. इस तरीके से जीन एक्सप्रेस होते, डीएनए एक्सप्रेस होता बाय मेकिंग सम प्रोटीन एंड दिस इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन. ओके, सो हियर यहाँ पे ट्रांसलेशन खत्म होता, बहुत बड़ी प्रोसेस थी, अच्छे से समझोगे, स्टेप वाइज लिख लिए बात, डायग्राम्स देख लिए बात, आपको सब ध्यान में आ गया होगा कैसा क्या है. ओके, एडाप्टर मॉलिक्यूल का रोल वगैरह सब कुछ मैंने मेरा पूरा जितना आता था पूरा बता दिया आपको. ओके, आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा आई होप, और आप लिख के निकालो एक दो बार, याद हो जाती चीज पूरी बिल्कुल. ओके, दिस प्रोसेस इज डन, विल सी द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ओपेरॉन कंसेप्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.